हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एसके सोनू टेकवाल। कैसे हैं फ्रेंड, उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। यहां पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं जेपी यूनिवर्सिटी छपरा स्नातक पार्ट वन सेशन 2022-25 एंड स्पेशल का रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। क्योंकि आप सभी को बता दूं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है कि इस दिन तक आपका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। अभी तक क्या क्या हुआ, चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक करके विस्तार में जानते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, तथा अभी तक आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि मुझे वीडियो बनाने का समय नहीं मिलता है तो टेलीग्राम पर मैं सभी अपडेट आप सभी को दे देता हूँ। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपका स्नातक पार्ट वन सेशन 2022-25 का ऑनर्स पेपर का एग्जाम 28/2/24 से लेकर के 2/3/2024 तक चला था। उसके बाद आपका सब्सिडरी पेपर का एग्जाम होने वाला था 4/3/2024 से लेकर के 13/3/2024 के बीच में, लेकिन उसी के बीच में एक बवाल हो गया। बवाल ये हो गया कि पूरा हल्ला हो गया कि पेपर लीक हुआ है, उसके चलते सब्सिडरी पेपर का डेट एक्सटेंड करना पड़ा। यानी कि उसके बाद जो आपका सब्सिडरी का पेपर हुआ वह 12/3/2024 से लेकर के 21/3/2024 के बीच में हुआ। जो बीच में डेट बचा था यानी कि 4/3/2024 से लेकर के 13/3/2024 तक, उसके बीच में आप सभी का प्रैक्टिकल हुआ। अब सवाल है कि आखिर आप लोग का जो रिजल्ट है स्नातक पार्ट वन सेशन 2022-25 का एंड स्पेशल का, वह रिजल्ट जारी किया जाएगा तो कब तक जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड, यहां पर आप सभी को बता दूं कि जेपी यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट है अप्रैल के लास्ट वीक में जारी किया जा सकता है। लेकिन सवाल यहां पर बहुत बड़ा गंभीर है। अभी तक जेपी यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक मंथ के अंदर आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया हो। लेकिन यहां पर देखा गया है कि जेपी यूनिवर्सिटी में नए कुलपति के तौर पर डॉक्टर परमेंद्र कुमार वाजपेयी आए हुए हैं, जो कि लगातार छात्र हित में काम कर रहे हैं। और आप सभी नए कुलपति से उम्मीद लगा सकते हैं कि जल्द से जल्द आपका रिजल्ट जारी हो जाए। आप सभी को बता दूं कि आपका जो रिजल्ट है अप्रैल के अंत में तो बताया गया है, लेकिन अप्रैल के अंत में जारी करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। क्योंकि अभी जो है आप लोगों का कॉपी भी चेकिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपका जो सब्सिडरी पेपर का एग्जाम था 21/3/2024 को खत्म हुआ था। उसके जस्ट बाद आपका होली का छुट्टी था, उसके बाद 2-3 और छुट्टियां थी। अभी आपका हाल ही फिलहाल में यूनिवर्सिटी ओपन हुआ है, अब आपका कॉपी चेकिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जितना जल्द कॉपी जांच की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, जल्द से जल्द आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि आपका जो रिजल्ट है अप्रैल के लास्ट वीक में जारी न करके मई में हर हाल में आप लोगों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाए। आप सभी को मालूम होगा कि जो जेपी यूनिवर्सिटी में एजेंसी काम करती थी वह एजेंसी भी अब काम नहीं कर रही है। जो भी काम करना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी के स्टाफ को ही काम करना पड़ रहा है, इसलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। और आप सभी देख रहे हैं कि अभी सेशन बहुत सारा डिले चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सेशन भी रेगुलर हो जाएगा, जैसा कि जेपी यूनिवर्सिटी के नए कुलपति प्रोफेसर परमेंद्र कुमार वाजपेयी ने बताया है। उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को अच्छे तरीके से समझे होंगे। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी दी जाती है सही और सटीक जानकारी दी जाती है।